गढ़मुक्तेश्वर के पौराणिक और ऐतिहासिक प्राचीन मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में लगा फव्वारा लगभग 15 वर्ष से बंद था। फव्वारे को रंग बिरंगी लाइट लगाकर शुरू किया गया। हिंदू युवा वाहिनी ने हापुड़ जिलाधिकारी मेधारूपम, गढ़मुक्तेश्वर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी संजीवन राम यादव चीनीपाल सहित अन्य नगरपालिका के अधिकारी और कर्मचारियों का आभार जताया है। जयकार पीर बजरंगे। गढ़मुक्तेश्वर के नक्काकुआ मंदिर प्रांगण में यह फुहारा कई वर्षों के पश्चात हिंदू युवा वाहिनी के अथक प्रयासों से प्रारंभ किया गया है, जिसमें हमें विशेष सहयोग हापुड़ की जिलाधिकारी मेधा रूपम जी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका संजीवन राम यादव जी व चीनीपाल जी का मिला। और मैं हिंदू युवा वाहिनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष टिंकू शर्मा जी से पूछना चाहूँगा कि इस फुहारे को चालू करवाने के लिए आप लोगों ने क्या प्रयास किए। जय श्री राम सभी मित्रों को। ये जो पीछे आप फुहारा देख रहे हैं, ये फुहारा पिछले 15-16 सालों से बंद पड़ा हुआ था। अब हमने जब डीएम मैडम ने यहाँ चार्ज किया था, डीएम मैडम को मौखिक रूप से बोला था यहाँ के फुहारे के लिए, तो मैडम ने तत्काल प्रभाव से इसको हमारे नगर पालिका अधिशासी अधिकारी जी को ऑर्डर कर दिया था और ये फुहारा आज आपके सामने चालू है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय जी का और अधिशासी अधिकारी जी का और नगर पालिका की समस्त टीम का। मैं इसी कड़ी में जो हमारे साथ 24 घंटे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं रोहित मल्होत्रा जी, जिला मीडिया प्रभारी हैं भाजयुमो के, इनका भी विशेष सहयोग हमें मिला है, तो ये भी दो शब्द अपनी वाणी से कहें। हर हर महादेव। जय श्री राम। आप सभी जो आप देख रहे हैं, ये जो अभी 15 वर्ष से ये फव्वारा जो बंद था, इसके लिए किसी ने भी गढ़मुक्तेश्वर नगर में कोई प्रयास करने का कोई भी संभव प्रयास नहीं किया। हिंदू संगठन से जुड़े ये हिंदू वाहिनी की समस्त टीम एक दिन जिला अधिकारी महोदय के पास जाती है। सिर्फ एक ही बार उनसे एक निवेदन किया था कि मैडम एक बार सर्वे कर लीजिए और वहाँ का फव्वारा बंद पड़ा है, कई वर्षों से यदि आप चला देंगे तो मंदिर में यात्री का आना अधिक हो जाएगा। सिर्फ उन्होंने यहाँ पर आकर सर्वे नहीं किया, सिर्फ एक मौखिक कहने पर ही, इन सभी के मौखिक कहने पर ही उन्होंने इतना कुछ कर दिया कि गढ़मुक्तेश्वर में इस समय खुशी की लहर बहुत अच्छी दौड़ रही है। मैं इस बिल्कुल उनके जिलाधिकारी महोदय का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर मुक्तेश्वर महादेव में फव्वारा चलाने का कार्य किया। और हम सभी भी हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता सभी लोगों का विशेष सहयोग रहा है, पूरी हिंदू युवा वाहिनी हापुड़ की टीम।